अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम गाड़ी का कहा था ना, क्या बना? ये लो, अपनी पसंद की गाड़ी ले लेना। वाह 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 बेगम, हो तो तुम्हारे जैसी हो। मुझे यकीन था कि तुम मेरी ये मामूली ख्वाहिश लाजमी पूरा करो। मजा आए। थैंक यू। हाँ लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं अपने अब्बू से मांग के तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, इसके बाद मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, बल्कि इसके बाद तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। क्या सरप्राइज है, बता। फिलहाल मैं ये चेक डिपॉजिट करवा दूँ। बिल्कुल, ऐसा करते हैं फरा कल 6 बजे का टाइम रख लेते हैं। नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अम्मी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ है? अरे हुआ क्या है, रो क्यों रही हो? मुझे सलमान ने तलाक दे दी और घर से धक्के मार के निकाल दिए। क्या इन गाड़ी मिलने के बाद तो वो तुमसे बहुत खुश था ना? वो सब धोखा था, झूठ था। वो उसने किसी और औरत से शादी कर ली और मुझे खाली हाथ घर से धक्के दे के निकाल दिए। बिस्मा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने एक बाल को झूठ बोला तुम्हारे बारे में और अब देखो मेरे साथ क्या हो गया। गलतफहमी है तुम्हारी इश्मत। कभी दिल जो तोड़े है मैंने, देखा अम्मी, झूठ जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन सच के सामने हार ही जाता है। इश्मत तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मेरा अल्लाह देख रहा है, वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला। और देखो मेरे अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया।